बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के बयानों पर हंसकर जवाब दिया है। प्रचार के दौरान अनुराग ठाकुर ने रेल लाइन हमीरपुर तक ना पहुंचने वाले सवाल पर हंसकर कहा कि कांग्रेस के बयानों पर हंसी आती है, क्योंकि कांग्रेस के समय तो वीरभद्र जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं स्वयं कहते थे कि सड़कों की हालत खस्ता रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी रेल लाइन का सर्वे तो करवाया नहीं और आज जब सर्वे पूरा हो रहा है तो जलन के मारे बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के बयानों पर हंसकर जवाब दिया है। प्रचार के दौरान अनुराग ठाकुर ने रेल लाइन हमीरपुर तक ना पहुंचने के सवाल पर हंसते हुए कहा कि कांग्रेस के बयानों पर हंसी आती है, क्योंकि कांग्रेस के समय में तो वीरभद्र स्वयं कहते थे कि सड़कों की हालत खस्ता रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी रेल लाइन का सर्वे तक नहीं करवाया और आज सर्वे पूरा होते देख कर जलन से बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। इसमें कांग्रेस की इन बातों पे जितना हंसा जाए, अरे जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके गांव में भी जमीन धूमल जी ने पहुंचाई थी, कांग्रेस के नेता अपने गांव तक जमीन नहीं पहुंचा पाए। धूमल जी ने गांव-गांव के सड़कों से जोड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अब नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा। कांग्रेस के समय तो वीरभद्र जी स्वयं कहते थे कि सड़कों की खस्ता हालत है और उनके अपने पास ये मंत्रालय था। मेरे भाई और बहनों, रेलवे का सर्वेक्षण होता है, कांग्रेस ने तो ना कभी सर्वेक्षण मंजूर कराया ना कभी रेलवे लाइन। मैंने ऊना से लेकर आमबिंदौरा, चिंतपूर्णी, दौलतपुर चौक सारी रेलवे लाइन पूरी करा दी, तीनों स्टेशन बना दिए, 8 ट्रेनें चला दी। भनुपुली से लेकर बिलासपुर की रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया, जो कांग्रेस ने रुकवाया था, कभी शुरू नहीं करवाया। ऊना हमीरपुर नई रेलवे लाइन है, इसका सर्वेक्षण भी मंजूर करवाया, सर्वेक्षण 5 साल में पूरा करवा दिया। कांग्रेस तो 5 साल में सर्वेक्षण क्या 70 साल में नहीं मंजूर करवा पाई, हमने सर्वेक्षण मंजूर कराया, पूरा कराया, डीपीआर तैयार करवाई, बजट में पैसा दिलवाया, ये करवाया तो अनुराग ठाकुर और नरेंद्र मोदी ने करके दिया है। वहीं अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब लोकसभा का तीसरा चुनाव लड़ा था तब प्रेम कुमार धूमल सीएम नहीं थे, लेकिन तब भी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता था। उन्होंने कहा कि धूमल ने प्रदेश में विकास कार्य करवाए हैं और इसका लाभ मुझे मिला है और इन चुनावों में भी मैं जीत हासिल करूंगा। अगर कांग्रेस ये कहती कि मेरे पिता मुख्यमंत्री थे, हाँ जी बिल्कुल थे, प्रदेश की बहुत सेवा की। धूमल जी के साथ लाखों लोग हिमाचल प्रदेश में जुड़े हैं, बहुत लोकप्रिय नेता हैं, जन जन के नेता हैं, उसका मुझे लाभ भी मिलता है। और जब मैंने तीसरा चुनाव 2014 में लड़ा तब कौन मुख्यमंत्री थे? धूमल जी नहीं थे, तब भी हम रिकॉर्ड मतों से जीते और इस बार भी लोगों के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के प्रयासों से नया रिकॉर्ड बना कर देंगे। आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, नए कीर्तिमान हम इस चुनाव में खड़े करेंगे। सर, कुछ